हर हर महादेव। जैसा कि हमने बतलाया था कि हम जो है गर्भिणी स्त्री के धर्म बतलाएंगे, तो देखिए सुनिए, शास्त्रों में गर्भिणी यानी गुरुविणी कहें, शास्त्रों में ये भी बतलाया गया है कि गर्भिणी स्त्री को गुरुविणी कहें, तो वो गुरुविणी माता के जिनके उदर में बालक है उसके कुछ विशेष नियम शास्त्रों में बतलाए गए हैं, क्योंकि वो गर्भवती महिला जो खाती पीती सुनती पढ़ती लिखती देखती बोलती सुन जो कार्य करती है, चाहे वे सात्विक राजस तामस किस भाव से वो कार्य करती है, इन सभी का प्रभाव गर्भगत शिशु पर पूर्ण रूप से पड़ता है। इसके शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जो है एक तो ज्वलंत उदाहरण अभिमन्यु जी का है, जिन्होंने अपने पिता अर्जुन से माता सुभद्रा के गर्भ में ही जो है चक्रव्यूह की विद्या प्राप्त कर ली थी। और इसके उदाहरण कयादु पुत्र प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी जो अपनी माता के गर्भ में थे, तब वे जो है नारद मुनि के आश्रम पर रह करके उनके सत्संग को श्रवण करते थे, वे बातें उनको याद थी जी, उन्होंने स्वयं बतलाया है राक्षस बालकों को जो है श्रीमद् भागवत में। तो ये गर्भगत इन सभी का असर, माता का जो भी खाने पीने से लेकर के जो भी क्रियाएं हैं उन सब का असर उस बालक पर पड़ता है। तो गर्भिणी के जो धर्म है मुख्य रूप से मत्स्य पुराण में भगवान कश्यप के द्वारा द्विती को बतलाए गए हैं कि इन नियमों का आप पालन करना तो आपको ऐसा ऐसा जो है पुत्र होगा। ये बात है, सामान्य बात ये है कि माता को सदा सात्विकी भाव में रहना चाहिए, तामसी भाव और राजसी भाव में नहीं रहना चाहिए। तामसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदरा अंडा लहसुन प्याज आदि ये सब अशास्त्रीय वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए। गंदे गीत गाने है ना ये नहीं सुनना चाहिए, शुद्ध सात्विक की भगवान नाम संकीर्तन और उनके भजनों का या सत ग्रंथों का अवलोकन श्रवण पठन इत्यादि करना चाहिए। अश्लील चित्रों को नहीं देखना चाहिए, अश्लील बातों को नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विकी भगवत चर्चा पति चर्चा इनको ही करना चाहिए। ये बात इसका पूर्ण रूप से जो है प्रभाव पड़ता है, ये बात सभी माताएं जानती हैं। देखिए वो क्या बतलाए हैं, ये तो कथा लंबी है, मुख्य रूप से उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उसको आप श्रवण करें। वे कहते हैं कश्यप जी के संध्यायाम नैव भोक्तव्यम गर्भिण्या वरवर्णिनी। हे वरवर्णिनी, संध्या में गर्भिणी स्त्री को जो है भोजन नहीं करना चाहिए, जब सूर्यास्त हो रहे हों या सूर्योदय हो रहे हों तो उससे जो है 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद तक ये कार्य नहीं करना चाहिए। न स्थातव्यम न गंतव्यम वृक्ष मूलेषु सर्वदा नोपस्करेषु उपविशेन मूसलो लूखलादिषु। किसी वृक्ष की जड़ पर न बैठे, न वृक्ष की जड़ पर वहां जाए, और किसी उपस्कर जो भी घर के छोटे मोटे सांभार है, ओखली है, मूसल है, बर्तन है, पीढ़ कोई छोटे मोटे और भी उपकरण है, उनके ऊपर नहीं बैठे, वो जो है आसन पर ही बैठे। ये लिखा हुआ है, जलेत न वगाहेत शून्यागारे च वर्जयेत बलमी कायाम न तिष्ठेत चोद विघ्न मना भवेत, न चोद विघ्न मना भवेत। तो जल में जो है नदी इत्यादि में घुस करके स्नान नहीं करे, तालाब में घुस करके स्नान नहीं करे, शून्यागारम च वर्जयेत, जिस घर में कोई नहीं हो, अकेली नहीं रहे गर्भिणी स्त्री, गर्भिणी स्त्री को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए,
अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मन में ऐसे विचार आते हैं हम अकेले हैं ऐसा है, तो उनका प्रभाव भी गर्भगत शिशु पर डर का पड़ जाता है। और जहाँ बलमी को सांप इत्यादि रहते हैं वो बलमी बना लेते हैं, उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। और खास बात, कभी उद्विग्न मना नहीं होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का उद्वेग, चिंतन है ना, प्रमाद, आलस नहीं रखना चाहिए। अब कह रहे न बिलिखे नखैर भूमिम नांगारेण च भस्मना और न शयालु सदा तिष्ठेत व्यायामम च विवर्जये। जो है लिखे नहीं नाखूनों से, नाखून से या किसी भस्म से, अंगार से या किसी से भूमि पर नहीं लिखे। लिखना है भगवान नाम या जो भी, तो वो जो है कागज पर कलम से लिख सकते हैं। और न शयालु सदा तिष्ठे, सदा नींद भरी रहे और बार बार सोते ही रह रहे हैं ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सामान्य अवस्था से गुरुगिणी को निद्रा अधिक आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त ही सोती रहे। और व्यायाम च विवर्जित, यदि कोई नित्य व्यायाम करने की कोई स्थिति है, कोई व्यायाम प्राणायाम या कोई ऐसे आप जो है आयाम करती हैं, तो उसका इस अवस्था में परिवर्जन कर देना चाहिए। खास रूप से जिस दिन से गर्भधारण होता है और जब जो है पुत्र जन्म नहीं हो जाता, तब तक के ये नियम है, ये पूरे जो है गर्भकाल में इन नियमों का पालन करना है। और भी किसी भी तरीके के जो है तुष, अंगार, हड्डी और ये जो अमेध्य पदार्थ हैं, इनका परिवर्जन करना चाहिए। वर्जयेत कल हम लोकैर गात्र भंगम तथा वच, किसी भी तरीके की कलह, लड़ाई इत्यादि न करे। अगर कोई कुछ कह देता है तो उसका उपशमन करे, उसको कुछ जो है कहने की प्रति उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। और गात्र भंगम तथा वच, कोई अंग इत्यादि का छेदन नहीं करे, कोई कोई काट दिया, कोई कट गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। न मुक्त के साथ तिष्ठेता ना शुचि स्याद कदाचना, कभी बाल खोल करके नहीं रहे। गुरुगिणी स्त्री को वैणी बना करके रहना चाहिए, और साध्वी स्त्रियों का भी ये लक्षण है। और कभी भी अपवित्र अवस्था में नहीं रहे, ना शुचि स्याद कदाचना। और न शयितोत्तर शिरा ना च परे शिरा क्वचे, पश्चिम की ओर सिर करके और उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। कभी भी न वस्त्रहीना नोद्विघ्ना न चार्द चरणा सती ना मंगल्याम वदेद वाचम न च हास्याधिका भवे। ध्यान देना खास बात, वस्त्रों से रहित न रहे, सदा वस्त्र धारण करके रहे, नोद्विघ्न मना उद्विघ्न नहीं करे, आर्द चरणा सती, पैरों को ज्यादा गीला नहीं करना चाहिए ऐसी अवस्था में। न अमंगल्यम वदेद वाचा, अमंगल्य वाणी को नहीं बोले, गाली नहीं बके, कोई ऐसे ऐसे अभद्र वचनों को नहीं बोलना चाहिए। और न च हास्याधिका भवेत, और हंसी मजाक भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। कुरियात गुरु शुश्रूषाम नित्यम मांगल्य तत्परा सर्व औषधि भी कोषणे न वारिना स्नानमाचरे। ये देखिए, अपने ज्येष्ठों की, गुरु गुरु का मतलब है ज्येष्ठ, सास ससुर पति इत्यादि की यथासंभव सेवा करनी चाहिए इस अवस्था में। कुरियात गुरु शुश्रूषाम नित्यम मांगल्य तत्परा, और नित्य मंगल कार्यों को करना चाहिए, मंगल कार्यों का चिंतन करना चाहिए, और हल्के गर्म जल से नहाना चाहिए। कृत रक्षा शुश्रूषा वास्तु पूजन तत्परा तिष्ठेत प्रसन्न वदना भर्तु प्रिय हिते रता, और अपने घर की साफ सफाई करके रखे, अपने जगह पर भी जो है साफ सफाई करके रखे, और सदा अपने पति के हित में लगी रहे। दानशीला तृतीयायाम पार्वण्यम नक्तमाचरेत इति वृत्ता भवेत नारी विशेषेण तु गर्भिणी। गर्भिणी स्त्री को, खास रूप से स्त्रियों को और विशेष रूप से गर्भिणी स्त्री को दानशील तृतीयायाम, दानशील होना चाहिए, कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। वैसे भी माताओं का स्वभाव पुरुषों से अधिक जो है कोमल होता है, वे दानशील होती हैं, भक्ति परायणा होती हैं। इसका लाभ ये जो लोग पंडित लोग और ये जो है ठग बाबा जी लोग, ये लोग खूब इसको जो है लेते हैं, और उनको चेली वेली बना करके खूब धन लेते हैं, उनकी दानशीलता का दुरुपयोग करते हैं। इससे तो खैर बचना चाहिए।
दानशील तृतीयायाम पार्वण्यम नक्तमाचरे, तृतीया में और पर्व तिथियों में अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि में सायंकाल को ही भोजन करे, दिन में विशेष भोजन नहीं करे। इस तरीके से स्त्रियों को यस्तु तस्या भवेत पुत्र शीलायुर सिद्ध संयुत, जो इन नियमों का पालन करती हैं उनका पुत्र शीलवान आयुवान और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, और इनका पालन नहीं करती तो बोले अन्यथा गर्व पतनम मवापनोति न संशया, अन्यथा वो गर्व जो है गिर जाएगा या जो है वो जो है आचार जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी वह बालक प्रकट होगा। ये है तस्मात्मन मया वृत्या गर्भेस्मिन यत्नमाचरा स्वस्त्यस्तुते गमिष्यामी तथेत्युक्तस्तया पुनः, ये जो है कश्यप जी ने बताया इन नियमों का आप पालन करें तो आपको बढ़िया श्रेष्ठ सुंदर आयुष्मान गुणवान और कीर्तिवान पुत्र की प्राप्ति होगी। शुश्रु संहिता में और भी बहुत बातें बतलाई गई हैं शारीरिक स्थान में। चरक आचार्य चरक ने भी गर्भिणी के धर्मों को विशेष रूप से बतलाया है, और सब जगह का यही बात है कि ये जो है मादक पदार्थ इत्यादि का बिल्कुल सेवन नहीं करे, शुद्ध सात्विकी भोजन सात्विकी विचार सात्विकी आहार सात्विकी व्यवहार को रखे तो भगवत भक्ति में अनुरक्त भगवत नाम संकीर्तन से युक्त वो जो माता है तो उसको शुद्ध सात्विकी पुत्र की प्राप्ति होती है। अब देखिए एक जो है दो हद की बात है, जब माता गर्भिणी होती है तो उसको दो हद की अभिलाषा होती है, कुछ दिनों बाद कुछ विशेष खाने की कुछ विशेष चीज जाने की देखने की पढ़ने की सुनने की इच्छा होती है, इसको दो हद कहते हैं, क्योंकि माता के उधर में एक बालक और आ गया उसका हृदय हो गया तो दो हृदय हो गए ना, तो इसको दो हद कहते हैं। तो उस समय जो है उनको वो दो हद की जो इच्छा हो, यदि वो दो हद निषिद्ध नहीं है कोई गलत पदार्थ खाने की इच्छा करे तब नहीं देवे, बहुत ज़्यादा ठंडा तीखा नमकीन या जो है बहुत गर्म ये गर्भिणी स्त्री को खाना मना है, इनमें से कोई चीज़ मांगती है तो वो नहीं देवे, अन्यथा कोई शुद्ध सात्विकी संवार पहनने ओढ़ने या जो है खाने के लिए घूमने के लिए मांगती हैं जो वही है जो शास्त्रों में निषिद्ध नहीं है तो पति अवश्य देवे उसको, क्योंकि इस ऐसा देने से वो जो है उस वो पुत्र जो होता है वो जो है वीर होता है बलवान होता है मतलब और गुणवान होता है और वो मेधावी होता है। आचार्य शुश्रुष ने भी लिखा हुआ है सा यद्यत दिच्छेत तत् तस्यै दापयेत, वो उसको देना चाहिए लब्ध दौहृदा ही वीर्यवंतम चिरायुषम च पुत्रम जनयति, वो जो लब्ध दौहृद वो दोहद कहते उसको, तो जो दोहद जो दिया जाता है उसको लेकर के वो पुत्र वीर्यवान आयुष्मान जो है पुत्र होता है, ऐसे पुत्र की वो माता बनती है, इसलिए इन सब का जो है पति को भी ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा चरक जी ने भी लिखा है, याज्ञवल्क्य मुनि ने भी अपने जो है प्रायश्चित अध्याय में 79 में श्लोक के रूप में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं कि दौर हृदस्या प्रदानेन गर्भो दोषम वापनयात वैरूप्यम मरणम वापि तस्मात् कार्यम प्रियम स्त्रिया, इसलिए यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बालक के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, इसलिए वो बालक जो मांगते हैं उनको देना चाहिए। इसका उदाहरण है भगवती जानकी जी ने उस समय जो है ये जो है रघुवंशम में लिखा है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में रहने लगे और वो जब धोबी ने उनके ऊपर कुछ आक्षेप किए थे, यद्यपि और भी लोग थे ऐसा आक्षेप करते थे माता के ऊपर, तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मैया जानकी को जाकर के पूछा, देखा तो भी गुर्भिणी थी और उनकी इच्छा थी क्या जो राम जी की थी, पिय यकी सी जानने हारी
और मनमुदरी मनमुदित होता रही, जैसी वो तो सब स्त्री अपने पति के मन की बात जान जाती हैं। तो भगवती ने भी यही कहा कि हम जो है हमारा इस वक्त वो मुनि कन्या थी जो वन में हम घूमते थे, हमारी जो है सहेलियाँ बन गई थी, उनको देखने की इच्छा है। तो राम जी ने उनको वन में भेज दिया और फिर बुलाया नहीं, लक्ष्मण जी को भिजवा दिया। तो ये दुआ ही था। अब देखिए और बात, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने अपने भक्ति सुधा में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जो है भावावेश था, जब वे जो है मैया यशोदा जन्म देने वाली थी भगवान श्री कृष्ण को, तो पता है उनको किस दुअध की इच्छा होती थी? वे जो है सीता जो मिश्री और संस्कृत आज से युक्त सीता की दुअध की इच्छा होती थी। माने गर्म गर्म गाय का घी डला हुआ है जिस मिश्री पर, वो खाने की इच्छा होती थी माता यशोदा की। तो वो जो है वो दुहद नंद बाबा देते थे, इसलिए उनको भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। आजकल माताएं कुछ मिट्टी खाती हैं या अभेद्य पदार्थ खाती हैं, कोई आइसक्रीम या कोई ठंडा तीखा या चटपटा, ये जो है बाजार से ला करके चाट पकौड़े खाती हैं, ये सब निषिद्ध है। ये नहीं देना है। जो शुद्ध शास्त्रीय हो, जो जिसका गर्भिणी के लिए निषेध नहीं हो, कुप्रभाव नहीं पड़े, तो ये सब लोग, उनकी सासू ससुर परिवार के लोग, स्वयं पति और भी पारिवारिक लोगों का इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसके यहाँ सात्विकी वातावरण बना रहे, सात्विकी विचार बने रहे, भगवत चर्चा होती रहे, भगवान नाम संकीर्तन होता रहे। तो कुल का नाम रोशन करने वाला, कुल दीपक श्रेष्ठ और प्रखर बुद्धि वाला मेधावी पुत्र होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर